छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। गुलाम लड्डू देख यार ये हटाया क्यों यार, तू वही लगा यार जब यार ये गुलाम लड्डू कहाँ थे तुम दोनों हैं? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? आई थी, जबी तो हाजिर हूँ। कब से आवाजें दे रही हूँ मैं, एक तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है। अब क्या कलेजा फाड़ने का इरादा है? इससे ज्यादा तो जंगी जहाज आवाज नहीं निकाल सकता। गुलाम मेरी तबीयत खराब हो रही है, आपको तंज करने की सोच रही है। मम्मी जी क्या हो गया आपकी तबीयत शरीफ को? अरे लड्डू मेरी बहुत तबीयत खराब है, उल्टियाँ डायरिया बुखार सब कुछ हो रहा है। लगता है वकील को बुलाने का वक्त आ गया है। क्या बुखार पे केस करना है या डायरिया पे केस करना है? नहीं नहीं मेरा मतलब है वसीयत लिखने का वक्त आ गया है। लड्डू होश में तो होना। तो मम्मी जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे जाओ जाओ किसी को भी बुला के लाओ, बस मेरी तबीयत ठीक करो। मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं यूं ही गया और इलेक्ट्रिशियन को लेकर आया। अरे पागल हो गए हो क्या? तो ठीक है मम्मी जी मैं प्लम्बर को बुला के ले आता हूँ। भाई तू जाके डॉक्टर को लेके आ जिसमें ये सारी खसूसियात हो। हाँ तो मम्मी जी आप फिक्र न करें, मैं फौरन जाऊंगा और डॉक्टर को लेकर आऊंगा, ठीक है? अरे जल्दी जाओ मेरी जान निकली जा रही है, और जल्दी आना वाला रह जाना। ठीक है मम्मी मैं जाऊँ। जाओ अच्छा जाएगा तो आएगा ना यार। हाय मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है। बेगम मैं गला दबा दूं? गुलाम आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, एम्बुलेंस मंगानी पड़ेगी। अरे वो तो ज़हनी बीमार है, असल बीमार तो मैं हूँ, आप उनको कहाँ आला लगा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आवाज की तरोताजगी से एक आप भी बीमार नहीं लग रही हैं। आप इलाज के अलावा सब कुछ करते हैं। माजरत चाहता हूँ, आज तक इंसानों का इलाज किया है, किसी औरत का नहीं किया। चले जरा मुंह खोले। बुखार बढ़ा हुआ है ना? जबान बढ़कर गल भर की हो गई है, बाकी सब बराबर है। लड्डू ये तुम किसी डॉक्टर को लाए हो या मच्छर है को? डॉक्टर साहब सीधे अच्छे तरीके से इलाज करें, सब तुम बेबी घर से बाहर करवाएंगे अपने साथ। अरे मैं तो यूं ही पेशेंट का दिल बहला रहा था, इनको दवा से ज्यादा वसीयत की जरूरत है। लड्डू अरे छोड़े बेगम, खुश तो सभी हैं लेकिन ये बचपने की वजह से बेकाबू हो रहा है। आप लोग मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ वो बेगम सुना है कि मरते हुए लोगों को सच मालूम हो जाता है, आज इस बात पे यकीन भी आ गया। गुलाम अरे कोई नहीं मर रहा, इनको बदहजमी है, ब्लड प्रेशर है और थोड़ा सा बुखार है। और बचा क्या है बस? अरे बाबा इनको डाइटिंग की जरूरत है, इनको कोई हेल्दी वेल्दी खाने खिलाएं। हेल्दी खाने? अरे इनको फ्रेश चीजें, सैलेड, मछली, अंडे, ताकत वाली चीजें खिलाएं ताकि इनमें जान आए, ताकत आए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब सब करूंगी सब करूंगी, अरे पहले मुझे ठीक तो हो जाने दे। बाबा मुझे आप लोगों से अफसोस है, मैंने कहा ना आप बिल्कुल ठीक है, रिजा में थोड़ी प्रोटीन इस्तेमाल करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आप चलते भी हैं? मुझे तो लगा था रिंगते हुए आए थे, रिंगते हुए ही जाएंगे। बाबा बीमार तो मुझे तुम लग रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पागल हर दूसरे आदमी को पागल ही समझता है। आजिए डॉक्टर साहब मैं आपको बाहर छोड़ दूँ, ऐसा ना हो गलती से आप इधर उधर हो जाए। आ जाए लड्डू, जाओ लड्डू छोड़ गया, आप कोई खौफ ना करे, छोड़ के आएगा सही जगह। मैं पकड़ के छोड़ा हूँ आपको, अजी छोड़े तैरते हुए चले जाइएगा। आइए आइए डॉक्टर साहब आइए। लड्डू चाहे जितने भी पैसे लग जाए मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, बस मेरी मम्मा बिल्कुल सही हो जाए। लड्डू फिर लाए 20,000 रुपए। हाँ 20,000 क्यों? अरे मम्मी जी के लिए सलाद सब्जियां फल लाने के लिए।
लेकिन 20,000 की सलाद और फ्रूट तुम पूरा ठेला लाओगे क्या? कर दी ना छोटी बात, मर जाए मेरी तरफ से ये गली सड़ी यहाँ की लोकल सब्जियां खा खा के। मगर 20,000 में ऐसा क्या मिलेगा? हॉलैंड के सेब, फ्रांस के चकोतरे, जर्मनी के टिंडे और शिकागो के बैंगन। हाँ भाई ये क्या लूटा मारी कर रही है भाई? अरे ससुर जी। हाँ आपकी फायदे की बात कर रहा हूँ। क्या बोलो तुम इनको? हाँ अरे हनी आपने जो ससुर जी, सबसे ज्यादा मम्मी जी की सेहत से तो आपको ही फायदा। अभी थोड़ी देर पहले जानवास पे बैठ के रो रो के मम्मी जी की सेहत या आपके लिए दुआ मांग रहे थे। और हो सकता है इसी बहाने आधे सेब आधे चकोतरे आधा समझ रहे ना। समझ गया भाई, समझ गया। हनी लड्डू को पैसे दे दो और मैं तो कहता हूँ 5,000 और ले जाओ। हॉलैंड के सेब क्या, न्यूजीलैंड के सेब भी ले आओ, सब ले आओ यार, बस मेरी तानी बेगम बच जाए यार। लाइए हनी 25,000 रुपए दीजिए। लड्डू तुम होश में तो हो? रुको मैं देखती हूँ, मुझे ना मामा की बहुत टेंशन हो रही है, कब सही होगी वो। ये लो ये ना 20,000 है, तुम जल्दी से जाओ जाके बस जिससे मामा ठीक हो जाए ना तुम वो लेकर आ जाओ। मुझे मामा की बहुत फिक्र हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, बस मामा मुझे बिल्कुल ठीक चाहिए। ठीक है आप जाए मिले हाथ। ठीक है ठीक, जल्दी आओगे ना? अब मुझे बता देना चाहिए था यार कि क्या चल रहा है यार। बस ससुर जी बस, अब मैंने सोच लिया है हमारी अय्याशी के दिन आने वाले हैं। हाँ? मम्मी जी खाएंगी परेजी खाने। हाँ? और हम उड़ाएंगे मुर्ग मुसल्ले। अबे यार लेकिन ये हॉलैंड के फल और जर्मनी की सब्जियां कहाँ से लाएंगे? अरे ससुर जी वो तो यही बाजार में किसी भी ठेले से उठा लेंगे। अच्छा हाँ? अबे? अरे आप फिक्र ही ना करें, मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया, सब्जियां आएंगी कुल मिला के तकरीबन 2,000 रुपए की। 18,000 रुपए सीधा जेब में। बात सुनो, ये 18,000 रुपए जेब में जो जा रहे हैं ये इशारा सिर्फ इस जेब की तरफ क्यों है? 18,000 रुपए में से 9,000 इस जेब में, 9,000 इस जेब में। अरे ससुर जी आपकी तो सोच ही छोटी है, मेरा कहने का मतलब वही था, 9,000 आपका 9,000 मेरा, अकेला थोड़ी खा जाऊंगा सारा। अरे ये खांचे वाजिया जल्दी है। मुजम्मिल तू कहां से आ गया है इतने जमाने बाद? अबे यार तुझे तो पता है ना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सब्जी और फ्रूट वगैरह का। फ्रूट सब्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा बात सुन, मैंने सब सुन लिया है, सुन नहीं ना बोल तो तेरा भी कुछ सेटिंग कर दूं। क्या हिसाब किताब होगा वैसे? हिसाब किताब का क्या करना यार, अब तुम लोगों से क्या करना हिसाब किताब, आधे मेरे आधे तुम्हारे। और क्या भाई, क्या 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 नहीं चाहिए भाई तुमसे कुछ भी, हम ठेले पे से ले लेंगे तुमसे नहीं लेंगे। अगर लेना तो माल मुझसे ही पड़ेगा आपको, वरना मैं तानी बेगम को सब कुछ बता दूंगा। अबे कहां से आ गया तुम्हारी खुशियों पे नाग बन के बैठने के लिए? अरे यार वो कौन सा होता है बड़ा वाला, एनाकोंडा। हाँ एनाक पहना हुआ नाग। नाग एनाकोंडा? अबे बल्कि वो होता है ना जो सांप से लड़ता है, नेवला वो। हाँ नेवला नेवला। हाँ नेवला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझको। यार क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम यार, मुजम्मिल भाई से बदतमीजी यार। माफी मांगो मुजम्मिल भाई से, माफी मांगो फौरन फौरन माफी। और इससे तो माफी भी फकीरों से मांगी हुई है इसने। बस अब बहुत हो गया है, मैं अभी जाकर उस भोली भाली औरत को बताता हूँ कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है, धोखा है फ्रॉड, वो भी उसके शौहर और दामाद के हाथों। भोली भाली औरत है तो क्या मोटी ताजी कहूँ? क्या बोला क्या बोला? मोटी ताजी। अभी जाके मम्मी जी को बताता हूँ, उनको कहता है मोटी ताजी औरत। मेरी बीवी को कहा तुमने मोटी ताजी औरत? ओ भाई बात सुन बात सुन, उल्टा चोर कोतवाल को ना डांटे, मेरी जो बात है ना वो तेरे खांचों से बहुत पीछे रह गई है, समझ में आई? अपने मुजम्मिल भाई यार गुस्सा थूक दो यार, किसी पे भी थूक दो लेकिन थूक दो। और एक काम करो यार, एक दिन रखते हैं ऐसा, तुम छत पे बैठेंगे यार, खूब खाना वाना खाएंगे, तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे और फिर उसमें बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे जरा है। अच्छा चल ठीक है, फिर रात ही खाने में मुलाकात होगी, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ ससुर जी आ जाओ। लड्डू पैसे निकालो पहले।
अरे यार ससुर जी अंदर जा रहे हैं, देता हूँ ना पैसे। नहीं भैया नहीं, गड़बड़ होती है हमेशा इसी चक्कर में, पैसे लाओ पहले। ससुर जी अंदर चलो, थोड़ा सबर रख लो, दे दूंगा पैसे। कोई सबर अबर नहीं भैया, मेरे 9,000 अभी के अभी इसी वक्त दो। पकड़ो ये, पकड़ो ये। पकड़ो क्यों पकड़ो भाई? यार ससुर जी, मम्मी जी को चूना लगाने का आइडिया मेरा था, सारी कहानी मैंने रची, प्लान मैंने बनाया, जैसे सारा किया था आपका, ये 500 का नोट मेरा, ये पकड़ो। हाँ तो अगर मैं साथ ना देता तो तुम तो कपके भाई पकड़े जाते। हाँ भाई लड्डू बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ तेरा क्या मसला है, ये हमारा आपस का मामला है? अकेले अकेले खांचे लगाते हो, ये तो गलत बात है। ओ भाई देख भाई, ओ भाई ओ, ये हमारे घर का मामला है, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुमको यार। हमारे भी मोहल्ले का मामला है, हमारे मोहल्ले की एक मासूम आंटी को तुम दोनों चोर चूना लगा रहे हो, ऐसे नहीं होने देंगे हम। क्या करेगा बता, क्या करे? अरे कुछ नहीं, आंटी से मिलकर सब कुछ सच सच बता देंगे, और वैसे भी सच बोलना तो अच्छी आदत होती है ना। लड्डू बात सुन भाई, ये सारे अच्छे लोग आज ही मिल जाएंगे हमें यार। एक आइडिया है मेरे पास ससुर जी। आइडिया बढ़िया, छोड़, तूने इतने पैसे मारे हैं, देख हमें पार्टी करवा। पार्टी? लड्डू 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 बच्चा है, जो कह रहा है सही कह रहा है, देखो ईमानदारी की बात, पार्टी तो बनती है ना बच्चों की। देखो बच्चों बात सुनो, रात को तुम लोग आ जाओ, हम लोग ऊपर छत पे पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा आएगा, ठीक है? वाह वाह अंकल जी, मुझे लगा लड्डू का दोस्ती छोड़ गया, आपका दोस्ती छोड़ गया। चलो शाबाश हो गया ना, चलो अभी जाओ, चलो जाओ, रात में मिलेंगे, चलो रात में पक्का ना। चलो 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 चलो, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, तुम्हारा सितारा अतारुद के गिर चक्कर लगा रहा है, मुश्तरी के पांचवें घर की नवी नजर तुम्हारे खाने माल को सारसत्ती की जानिब घसीट रही है। तारा बाबा, अब इस हालत में मेरे मामले ठीक करने आए हैं, उनको और उलझाने के लिए आए? अभी तो मेरी इतनी तबीयत खराब है, बदहजमी है, ब्लड प्रेशर है, अगर मैंने ये सारे मामले समझना शुरू किए ना तो मेरा ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो जाएगा। देखो बच्चा, बात समझने की कोशिश करो, अमसाल के पांचवें घर की नवे जो खांचे हैं उसमें खांचे ही खांचे हैं। खांचे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तारा बाबा। समझ तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल है अब आप भी कुछ आराम कर लें यहीं। अरे नहीं भाई, अपने घर जाकर, आपकी बातों से मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। देखो बच्चा, आसान लफ्जों में मैं समझाता हूँ, आप सीधा सीधा साहिल समुंदर पे चली जाएं, वहां जाके हाथ और मुंह धो लें, वापसी में सारे मसले मसाइल साफ और हल हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है तारा बाबा, करती हूँ मैं कुछ। भाई इसी बात पे लाओ फिर हमारी टाइम ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट फीस। हाँ हाँ वो तो मैं हमेशा ही देती हूँ, अभी दे रही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मामा आपको कैसा लग रहा है फ्रूट्स खाकर? हनी क्या मैं पहली दफा जिंदगी में फ्रूट खा रही हूँ? अरे भाई मेरा मतलब है आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है। अरे भाई ये हॉलैंड और जर्मनी से आए। हॉलैंड और जर्मनी से? हाँ। ये फल? हाँ ना, वो भी पूरे 20,000 रुपए के। क्या 20,000 रुपए के ये फल? हाँ। अरे क्या पूरा बाग खरीद लिया? नहीं तो ये लड्डू लेकर आया है खास तौर पे आपके लिए, ये देखिए ना, ये सारे फ्रूट्स ना इंटरनेशनल लेवल के। अरे ये फल 20,000 रुपए के? हनी ये सुनकर तो मेरी तबीयत और खराब हो रही है। अरे छोड़ो बेगम, आप छोड़े इन बातों को, आज देखिए जायके तो हर फल के एक से होते हैं, बात होती है नशोनुमा की, और इन फलों में पाकिस्तानी फलों से ज्यादा नशोनुमा है ना लड्डू? हाँ ना मम्मी जी, आप ये फ्रूट्स खाएंगी ना तो आपकी तबीयत चंद दिनों में भली चंगी हो जाएगी। अच्छा नशो नुमा, ये नशो नुमा है? अरे हमारे यहाँ के बेर भी इससे बड़े होते हैं। नशो नुमा असल में बस बस रहने दो, अरे भाड़ में गए ऐसे 20,000 के फल। मुझे तारा बाबा ने सब बता दिया कि मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी। हनी जाओ जाके जल्दी से तैयार होकर आओ। क्या मामा आप देखे ना मुझे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप अपना हुलिया देखें आपका क्या हाल हो रहा है। एक काम कीजिए आप जाइए, आप जाके तैयार हो जाइए, मैं यहीं पे आपका वेट कर रही हूँ।
लेकिन मम्मी जी मुझे समझ नहीं आया, हनी के तैयार होने से आपकी तबीयत कैसे ठीक हो जाएगी? अरे हनी के तैयार होने से नहीं, हम दोनों तैयार होके कहीं जा रहे हैं। अच्छा हनी चलो ये फ्रूट तो खाओ ना, 20,000 रुपए के, तो अब खाओ खत्म करो। गुलाब जी, जी, जी और लड्डू हम लोग बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखिएगा और हाँ दुआ कीजिएगा कि तारा बाबा की बात पर अमल करके सितारों के सारे खांचे बिल्कुल ठीक हो जाए। खांचे नहीं बेगम, जायचे जायचे। ओहो नहीं ना, तारा बाबा ने खांचे ही कहा था। जिस तरह के वो खुद खांचे वाले हैं ना, इसी तरह उनके सितारों की चाल भी है। खबरदार मैं तारा बाबा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। क्या हो गया पापा, चुप हो जाइए ना, आपको पता है ना मामा की तबीयत कितनी खराब है, अब आप उनको इस तरह तंग नहीं कर सकते। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। अच्छा अच्छा आप लोग जाए, आप लोग जाए। हनी वापसी पे ना आप मेरे लिए आइसक्रीम लेते आइएगा। अच्छा मेरे मुन्नू को चॉकलेट में खाना है या वनीला में? मैं चॉकलेट में वनीला डाल के खाऊंगा। चुप करो, पहले घर के सारे काम करो फिर देखेंगे ये सब कुछ। आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम लेते आना, घर के काम करो। चलो मामा। गई अब काम कर, अब तू जाके को खाने पीने का सारा बंदोबस्त कर यार, पार्टी करे ताकि ताकि वो लोग जो है उनकी जबानें बंद हो। फिकर क्या था? ठीक है ना, यूं ही गया, यूं ही आया। हाँ जा आ जा और देख के लाइयो भाई सब चीजें। हाय 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 यार लड्डू यार, वो मैं आ जाऊं। मैं देख रहा हूँ तेरी बड़ी नियत टपक रही है कसम से। वाह भाई वाह, तू खा और हम देखे भी ना। वाह वाह। ओह यार भैया, ओ हो तो अबे और नजीदे क्या नियत लगा रहा है इधर देख देख के, जब वो आएंगे जब ये खाना शुरू होगा समझा। अब यार तू फोन तो कर यार, मैं बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ है यार, कहाँ रह गए? करता हूँ फोन, उनको बुलाता हूँ, कहाँ रह गए भूखे भाई यार। हेलो यार, कहाँ रह गए तुम लोग? हाँ हाँ खाना तैयार है, अरे कोल्ड ड्रिंक भी है, फ्रूट्स भी रखे हैं तुम लोगों के लिए। बाप आज तो रच के खाया भाई। यार मुफ्त का माल खाने का मजा ही अपना होता है यार। हाँ हाँ, और मुफ्त से ज्यादा ब्लैकमेलिंग का माल खाने में मजा आता है भाई। बात सुनो, खा लिया ना पेट भर के, अब तो किसी को कोई बात नहीं बताओगे ना यार। अरे नहीं अंकल, अब क्यों बताएंगे हम भाई, अगर आप 2-4 हफ्ते में इस तरह की पार्टियां अरेंज कर देंगे तो हम किसी को क्यों बताएंगे भाई, क्यों? हाँ 2-4 हफ्ते, अरे मैं तो कहता हूँ ऐसी दावते दो हर 2-4 दिन बाद होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ हर 2-4 घंटे बाद ऐसी दावत होनी चाहिए। ओए बस कर दो बस तुम लोग। हाँ मतलब अपनी सास को बेवकूफ बनाऊ मैं, अपनी बकरी जैसी बीवी को लूटू मैं, मतलब प्लान मेरा, हिम्मत मेरी, सब कुछ करूं मैं, और मुफ्त में यहाँ बैठ के मुफ्त का तोड़ो तुम लोग। वाह। अरे यार लड्डू तू तो खामा खाई नाराज हो रहा है यार, अरे बच्चों ने तो ऐसी बात कह दी थी। हाँ यार तूने कौन सा अपनी सास को 20,000 का माल 2,000 रुपए में पहनाना है? अब ये पहना भी देगा भाई, तुझे नहीं मालूम है? हाँ ऐसा ही है। चलो खैर है, लड्डू की सास को बेवकूफ बनाकर खांचे मारने की खुशी में सब मिलकर करते हैं पार्टी। ये हो रहा है, सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे। ये तीनों कहाँ चले गए? अरे वो तीनों कहीं भी गए हो, मगर तुम तीनों को मैं जहन्नम रसीद करूंगी। तो कौन कौन से अदीबों की तहरीरों से इस्तफादा किया? जो हमें पसंद आए ना, उसमें मुस्तफा कुरैशी, हिमायूं कुरैशी, और सर सबसे बड़ी तो जो जो मैं खसूसियत जो शफकत चीमा में है ना, वो सर किसी में नहीं है। भाई ये अंग्रेजी का लेटर है और मेरी अंग्रेजी जरा फीकी है। फीकी? जो तहरीर आपको मैं लिख के दूं ना, आपने बस वही पढ़नी है। बिल्कुल ठीक है प्यारे मियाँ। तो फिर कहिए मेरे साथ, अलीफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। के फेल की कितनी एग्जाम होती है? सुनिए, 5वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल, यूनिवर्सिटी फेल, और अगर सड़कों पे आ जाए तो ब्रेक फेल। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं।
करते रहते हैं फरियाद।